आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही पार्टियों ने अपने चुनावी रथ मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ने भी अपनी चुनावी सियासत तेज कर दी है। कार्यकर्ताओं को आए दिन नए नए चेहरों से संबोधित होना पड़ रहा है। इसी क्रम में आज छर्रा विधानसभा में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि रामजी लाल सुमन, पूर्व कैबिनेट मंत्री, संभावित लोकसभा प्रत्याशी हाथरस रहे, जिन्होंने महागठबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं को बखूबी जानकारी दी और कहा कि अब यह महागठबंधन का रथ निकल पड़ा है, जो कि लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त कर थमेगा। अब कार्यकर्ता जी जान से लग जाएं और अपने अपने बूथों को मजबूत करें, जिससे लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त हो सके। जो सत्ता में बैठे महागठबंधन पर तीखे बोल बोलते हैं, आज उनके होश उड़े हुए हैं। बुआ भतीजे के गठबंधन को झूठे फरेब का ताना मारते हैं, वो भी अब समझ गए कि महागठबंधन अब विजय के रास्ते पर निकल पड़ा है, जो अब विजय प्राप्त कर रहेगा। जनता अब प्रधानमंत्री का नया चेहरा देखना चाहती है, जो कि इस गठबंधन से निकल कर आएगा। जनता अब अपना कीमती मत गठबंधन के खाते में डालेगी और विजय पथ पर ले जाएगी। इस मौके पर गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष अजू इसाक ने जानकारी दी। उसके नाम की कोई पट्टियां नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी का सिपाही होने के नाते इस जुमले की दुकान को बंद कर दो, इस भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्करण कर दो, और जहां तक मोदी का सवाल है, उसे अपनी पत्नी का तो पता नहीं, हमारी पत्नियों के पीछे लग गया। और आपको आश्वासन देना चाहते हैं, रामजीलाल सुमन जी आपके बीच में एमपी बन के आएंगे और केंद्र में सरकार गठबंधन की सरकार बनेगी और रामजीलाल सुमन जी गठबंधन की सरकार के मंत्री बनेंगे। और जब ये मंत्री बनेंगे तो ये बाहर जो खड़ा हुआ थानेदार है वो आपको होमगार्ड नजर आएगा। जो पटवारी देखता नहीं है वो पटवारी आपके घर में नजर आएगा, और जो जेई है और जो कहलाता है जूनियर इंजीनियर वो आपको लाइन में नजर आएगा। इसलिए हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि कल और परसों जो बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग लखनऊ में की थी और उन्होंने कहा था कि समाज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, बहुजन समाज पार्टी के नेता, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई समाजवादी का कार्यकर्ता ये शिकायत न कर जाए कि कोई बहुजन समाज पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने अबोर्शन में इलेक्शन नहीं लड़ाया। इसलिए मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस दिन ये गठबंधन हुआ था उस दिन हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बहन जी का सम्मान मेरा सम्मान है। आज सपा बसपा गठबंधन के और रालोद के गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी माननीय पूर्व मंत्री श्री रामजीलाल सुमन जी जो है वो अपने विधानसभा में कार्यकर्ताओं से और लोगों से मिलने के लिए आए हुए हैं, तो सभी दलों के लोगों को बुला के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उनको बुला के मीटिंग कर रहे हैं। सर, गठबंधन आपका कब तक चलेगा? लोकसभा में रहेगा या विधानसभा में गठबंधन आगे तक चलेगा? तो कहते हैं कि साहब, जब तक देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रहेगी और भ्रष्टाचार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक ये गठबंधन बना रहेगा।